हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राइनोमैटिक क्लास। हाय फ्रेंड्स, राइनोमैटिक क्लास पार्ट 17। मैं आज आपको सिखाऊंगा ओवल कॉलेट। ठीक है, तो आप जेम्स लोडर में आ जाओ। आने के बाद ये ओवल कॉलेट कैसे बनाता है मैं आपको सिखाऊंगा। ओवल कॉलेट का ऊपर मैंने क्लिक करता हूँ और अभी ये देखो, वन ओवल वन और ओवल टू। ओवल वन मतलब 4 mm, फोर टू और ये है 5 5 5 3 जो अवेलेबल मिलता है। मैं आपको वही दिखाता हूँ, अवेलेबल मिलता है 3 5 4 6 5 7, ये सब अवेलेबल मिलता है। ठीक है, तो मैं अभी 4 6 कॉलेट बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं 6 4 का ऊपर मैं क्लिक करके ओवल स्टोन को लेके आया। लेके आने के बाद मैं एक बार चेक करके लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 4 mm, 6 mm, 4 6 का कॉलेट। तो इसको मैं अभी एक कॉलेट को बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इस स्टोन को सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद कीबोर्ड में F6 प्रेस कीजिए। करने के बाद जेम्स प्रोफाइल, आप इसका ऊपर क्लिक कीजिए। करने के बाद एक कब आ जाएगा, तो आप माउस में राइट क्लिक करो। मैं फोर व्यू करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक कब आ गया। अभी क्या करने का, इस कप को आप सिलेक्ट करो। करने के बाद बाहर साइड ऑफसेट 0.1, ऑफसेट 0.1 इंटर। और ये कप अभी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डेट करता हूँ। पहले स्टोन लिया, उसके बाद स्टोन का साइज का हिसाब से काब लिया, उस काब से अब बाहर 0.1 मैंने ऑफसेट लिया। उसके बाद मैं अंदर 0.7 ऑफसेट लूँगा। ठीक है, तो 0.7 इंटर। अभी मैं स्टोन को हाइट करता हूँ। ऐसा दो काब मैंने ले लिया। देखो 0.1 बाहर साइड है और 0.7 इस बाहर का कप से, 0.7 अंदर मैंने लिया। इसके बाद क्या करने का, दोनों कप सिलेक्ट करो। करने के बाद आप सॉलिड में आ जाओ, एक्सट्रूड कप। एक्सट्रूड कप करके आप सॉलिड, यस 1.5 इंटर मैंने हाइट दिया, 1.5। इसके बाद मैं इस कप को डिलीट कर देता हूँ। अभी स्टोन को मैं थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ, तो अब मूव करके मैं ऊपर लेके जाऊँगा। तो आप कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके
ऊपर लेकर आओ, क्योंकि नहीं तो आपका स्टोन इधर उधर हिल जाएगा। सिर्फ टीपो पेस करके करोगे तो सीधा सीधा ऊपर आ जाएगा। अभी क्या करने का, अभी इसको मैं खोचा बना के आपको दिखाऊंगा। वो खोचा खोचा से ये स्टोन, वो जो चार खोचा बनाऊंगा उस खोचा स्टोन को पकड़ के रखेगा, ठीक है। तो इसके बाद खोचा बनाने का, तो काम में आओ राउंड सर्कल जीरो एंटर पॉइंट एट एंटर। तो मैंने पॉइंट एट का काब लिया। इसको मैं इस स्टोन का हिसाब से खोचा बनाऊंगा। तो मैंने ये मेटल, ये जो मैंने सॉलिड मेटल किया दोनों काप के, इसका लेंथ हाइट कितना किया 1.5, और इससे कम से कम 2 mm ज़्यादा रहना चाहिए खोचा। तो 1.5 और 2 mm कितना हुआ 3.5। तो मैंने इस काप को एक्सटेंड काप करूँगा 3.5 इंटर, क्योंकि ये स्टोन बड़ा है तो इसके लिए इसका खोचा का भी हाइट मैं बड़ा करता हूँ। अभी इस काप को, इस जो खोचा है मैंने मूव करके साइड में ले गया, और ये जो खोचा है ये स्टोन का ऊपर 0.2 चराने का। तो मैंने क्या करूँगा, अभी एक सर्कल लूँगा 0.2 का, 0.2 एंटर। तो इसको मैं अभी ऐसा सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद तो मेरे को पता चल गया है जे 0.2 इधर। तो एक खोचा को मैंने मूव करके अंदर 0.2 चला के रखता हूँ, ठीक है। इसका बाद आपको क्या करने का, मैं अभी स्टोन को हाइट करता हूँ ये देखो। इस स्टोन को मैं इधर रिकॉर्ड हिस्ट्री चालू करके रखता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड हिस्ट्री चालू करके करूँगा तो इस खोचा को मैं थोड़ा इधर उधर हिलाएगा तो वो तीन खोचा भी सेम टू सेम हिलेगा। तो मैं इसको अभी क्या करूँगा, मिरर करूँगा, मिरर जीरो एंटर हुआ, और इस दोनों कप को, ये खोचा को मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर मिरर जीरो एंटर। अब स्टोन को लेकर आता हूँ, देखिए फ्रेंड्स ऐसा हुआ। मेरे को लगता है क्या थोड़ा खोचा इधर आने का आना ज़रूरत है, तो मैं रिकॉर्ड हिस्ट्री चालू करके रखा है। तो मैं थोड़ा देखिए फ्रेंड रिकॉर्ड हिस्ट्री मैंने चालू नहीं किया तो मैं इसको इधर थोड़ा हिलाएगा तो ये नहीं हिलता है। तो मैं अंडू करता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स मैं अभी रिकॉर्ड हिस्ट्री चालू करके रखता हूँ। देखिए रिकॉर्ड हिस्ट्री चालू नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम है, और रिकॉर्ड हिस्ट्री चालू करने से क्या अच्छा होता है, ठीक है। तो मैं इसको अभी मिरर करूँगा, मिरर जीरो एंटर, आप सिर्फ पेस करके सीधा सीधा क्लिक करो। उसके बाद ये दो खोचा को आप सिलेक्ट करो, करने के बाद फिर भी मिरर करो जीरो एंटर। देखिए फ्रेंड्स मैं पहले रिकॉर्ड हिस्ट्री चालू नहीं करके ये मिरर किया, तो इस खोचा को मैंने थोड़ा इधर हिलाया तो ये तीनों खोचा नहीं हिलता है। मैंने रिकॉर्ड हिस्ट्री चालू करके इसको मिरर किया, फिर ये दोनों कप खोचा को मैंने मिरर किया इस साइड में। तो अभी मेरे को लगता है थोड़ा ये खोचा इधर आना चाहिए, इस ये खोचा इधर आना चाहिए,
ये भी इधर थोड़ा थोड़ा करके आना चाहिए। तो मैं इसको मूव करता हूँ, देखिए देखा, इसको मैंने मूव करा थोड़ा इधर लेके आया तो ये खोचा भी इधर आ गया और ये दोनों भी ये इधर आया ये इधर आया। तो आप रिकॉर्ड हिस्ट्री करके ऐसा प्रोसेस में आप काम करोगे तो बहुत अच्छा है, बेटर है। क्योंकि मैं रिकॉर्ड हिस्ट्री चालू नहीं करके करता हूँ तो मेरे को थोड़ा ये खोचा इधर आना चाहिए था तो एक ही आता है, ये तीनों नहीं आता है। मैंने इसके लिए रिकॉर्ड हिस्ट्री चालू करके इस खोचा को मिरर किया, फिर ये दोनों खोचा को फिर इधर मिरर किया। तो मैं इस खोचा को जब भी इधर उधर हिलाऊंगा, इधर उधर लेके जाऊंगा तो एक चार खोचा ये तीन खोचा भी इधर उधर हिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसा करके एक खोचा का हाइट थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं इसको थोड़ा कम भी करूँगा, क्योंकि हाइट कितना दिया 3.5। इस खोचा को मैंने 3 mm करता हूँ, 1.5 mm इधर और 1.5 mm ये मेटल का ऊपर, ठीक है। तो मैं इस खोचा को देखो मैं छोटा करता हूँ तो ये तीनों खोचा भी छोटा हो जाएगा। मैंने स्केल 1D करता हूँ, करने के बाद अभी मैं वॉल पेस्ट करके इसके ऊपर क्लिक किया, करने के बाद 3 Enter। देखिए फ्रेंड्स अभी बराबर है तो तीनों खोचा भी छोटा हो गया एक साथ। इसके बाद क्या करने का, इन खोचा को फिलिट करने का। तो मैं फिलिट ऑप्शन में जाता हूँ, सॉलिड में आके फिलिट, ये देखिए फ्रेंड्स इधर आता है फिलिट एज क्लिक किया और ये मैं खोचा कितना लिया 8 mm, मतलब 8 mm लिया। बीच में 0.2 मेटल रहना चाहिए और पूरा साइड पॉइंट उसके बाद में फिलिट करने का। तो अभी क्या करूँगा, अभी मैंने 0.8 लिया तो 0.3 करके फिलिट मारना पड़ेगा, फिलिट करेगा तो 0.2 मेटल इधर रहेगा। तो मैं 0.3 Enter, इसके बाद इस साइड में क्लिक करो, ये देखो खोचा फिलिट हो गया। मैंने एक को किया तो ये तीनों भी हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं स्टोन का हाइट करता हूँ, इधर चेम्फर करने का है तो चेम्फर कितना करो, इधर से इतना तक कितना मैंने ऑप्शन लिया 0.7 और 0.2 छोड़ के चेम्फर करने का। तो चेम्फर करूँगा तो कितना 0.5 चेम्फर करूँगा तो 0.2 मेटल रहेगा। तो मैं अभी चेम्फर करूँगा, सॉलिड के ऊपर आओ, आने के बाद ये देखो चेम्फर एज, ठीक है। तो आप इसका ऊपर क्लिक करो क्योंकि आपको इस सॉलिड में इधर उतना सारा टूल्स नहीं है, आपको इधर नहीं मिलता है तो आप इधर सॉलिड में आ जाओ। आने के बाद देखो बहुत सारे टूल्स है, ठीक है। आपको मेरे को क्या चाहिए, फिलिट एज ने चेम्फर एज, तो मैं चेम्फर एज को क्लिक करता हूँ। करने के बाद क्या करूँगा, अभी कितना माप दूँगा 0.5 मारूँगा, माप करके चेम्फर करूँगा तो 0.2 मेटल रहेगा, क्योंकि मैंने 0.7 इसको ऑफसेट करके ये सॉलिड किया। तो अभी 0.5 Enter करके मैं चेम्फर करता हूँ, देखिए फ्रेंड्स चेम्फर हो गया और इधर कितना मेटल आ गया 0.2। डिस्टेंस में एनालाइज में आने के बाद डिस्टेंस ये देखिए फ्रेंड्स 0.2 मेटल हुआ। तो आप ऐसा करके ये ओवल कलेक्ट कर सकते हो और इस कॉलेज में आपको समझ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और आपका कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपका ज़रूरत है तो मेरे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा।
और जितना भी हो सके मैं आपको हेल्प करूँगा, क्योंकि आप ऐसा करके काम सीखोगे तो बहुत जल्दी काम कर जाओगे। ठीक है, मैं पूरा का पूरा वीडियो ही दिखाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा काट करके स्किप करके आपको एडिटिंग करके दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि आप सीख के और आप सीख के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से सीख जाओगे। मेरे को हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरा का पूरा समझने के लिए। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसा करके इसको पूरा ग्रुप कर लो। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी काम में आपको ओवल करेक्ट बिठाने का, तो आप कोई भी काम का पहले करने के पहले पहले ओवल कलेक्ट कर लो। करने के बाद आप फिर भी वो जो और जो कलेक्ट है, कहीं पे गोल राउंड कलेक्ट है, कहीं पे मार्किस कलेक्ट है, तो मैं अगले वीडियो में राउंड कलेक्ट में दिखाया और मार्किस कलेक्ट कैसे बनाता है वो भी दिखाया। आज मैंने ओवल कलेक्ट कैसे बनाता हूँ आपको दिखाया। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा डॉप कलेक्ट कैसे बनाता है। ठीक है, तो मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए।